वेलकम एवरीवन, जेई मेंस के क्वेश्चन सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो किस तरह से है, जो मेंस 2021 का है। और एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एफ एंड जी एक दो फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ एन प्लस वन जो है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ वन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एनी डोमेन। और जी भी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, जी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है लेकिन इसका डोमेन एन है और रेंज एन है, नेचुरल नंबर एन या एन का कोई सबसेट है, को डोमेन एन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी इसमें से डी जो चार ऑप्शन हैं उसमें से एक गलत है, बाकी तीन सही है। तो आपको इसमें से गलत वाला चुनना है कि गलत कौन सा है ना, ठीक है। तो पहले फंक्शन एफ एन को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें इस तरह से दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू अगर आप वन पुट कर दो तो ये आपका टू बन जाएगा, है ना, वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन, यानी ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन। यहाँ एन के बदले टू पुट कर दो तो वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ थ्री विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस वन, जो हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ टू क्या ट्वाइस ऑफ एफ वन है, यानी ये क्या हो जाएगा थ्राइस ऑफ एफ वन, ठीक है ना। उसी तरह आप एफ एन क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ एफ वन, ये हम लोग निकाल सकते हैं। एफ एन क्या है एन टाइम्स ऑफ एफ वन है। तो देखिए कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे तो एक आउटपुट देगा, तो ये वन वन फंक्शन होगा। अलग अलग नेचुरल नंबर पे अलग 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 वैल्यू मिलेगा, सेम कभी नहीं मिलेगा। तो एफ इज़ वन वन जो है वो ट्रू है, ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। अब एक पूछ रहा है एफ़ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू है, ऑन टू मतलब क्या होता है, ऑन टू मतलब होता है रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी कोडोमेन क्या था नेचुरल नंबर, तो यानी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है इसका रेंज बन जाए। अपने को ऑन टू बनाने के लिए क्या चाहिए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब रेंज क्या है एफ ऑफ वन का मल्टीपल है, है ना, क्या है रेंज, क्या है एफ ऑफ वन है, पहले वन के लिए एफ ऑफ वन है, टू के लिए एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन है, थ्री पे वैल्यू है थ्राइस ऑफ एफ ऑफ वन है, है ना, उसी लिए एफ फोर का वैल्यू क्या है फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन है, इसी तरह चलता जाएगा। तो एफ ऑफ वन का मल्टीपल ही रेंज है, तो एफ ऑफ वन अगर वन के अलावा कुछ भी हुआ तो उसका मल्टीपल रेंज होगा, फिर वो नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। जैसे टू हुआ तो टू फोर सिक्स एट चलेगा, एफ ऑफ वन अगर टेन हुआ तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ये रेंज होगा। तो रेंज को अगर कोडोमेन के बराबर होना है तो एफ ऑफ वन को क्या होना पड़ेगा वन होना पड़ेगा, वन का मल्टीपल ही नेचुरल नंबर बनेगा, है ना, वन टू थ्री फोर ये क्या है ये वन का मल्टीपल है, तो एफ ऑफ वन को वन होना पड़ेगा। तो उसके लिए एफ ऑफ एन क्या होगा, एफ ऑफ एन फिर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, है ना। ये वही कह रहा है कि इफ़ एफ इज़ ऑन टू देन एफ ऑफ एन इज एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ ऑफ एन एन हो जाएगा, यानी एफ ऑफ वन को वन होना पड़ेगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि ये एफ ऑफ वन का मल्टीपल है और मल्टीपल अपने को पूरा नेचुरल नंबर चाहिए ऑन टू के लिए, कोडोमेन के बराबर हो जाए रेंज, यानी रेंज एन हो जाए, तो उसके लिए एफ ऑफ वन को वन होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ रहा है, सबको मैं मिटा देता हूँ। तो बिना जी के दो ऑप्शन हमको पता चल गया कि ट्रू है, और ये निकाल चुके हैं कि एफ ऑफ एन क्या है एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन है। अब जी पिक्चर में आ रहा है, जी एक फंक्शन है एन से एन तक, एन से एन तक का फंक्शन है, यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है ए और डी, तो इफ़ जी इज़ ऑन टू देन एफ ऑफ जी इज़ वन वन, और इफ़ एफ ऑफ जी इज़ वन वन देन जी इज़ वन वन, ये दो पूछ रहा है। दोनों में एफ ऑफ जी दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एन, इस पे कंक्लूजन लेना है, है ना, इसी को एनालाइज करना है, ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा एफ वन टाइम्स ऑफ जी ऑफ एन, यही होगा, जो एन था
वो बाहर आ गया है और मल्टीप्लाई हो गया एफ वन से। तो एफ के अंदर क्या है, जी एन है, तो जी एन बाहर हो गया है और मल्टीप्लाई हुआ है एफ वन से। तो एफ ऑफ जी ऑफ एन क्या होगा, एफ वन इंटू जी एन, है ना। तो अगर जी एन वन वन है, यानी एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे रहा है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एन भी एक ही आउटपुट देगा, दो नहीं देगा। और अगर जी एन मेनी वन हो, यानी जी वन पे भी वही वैल्यू मिल रहा है और जी थ्री पे भी वही वैल्यू मिल रहा है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एन भी वन पे वही देगा और थ्री पे वही देगा, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ वन है लेकिन यहाँ दो दो इनपुट पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो एफ ऑफ जी एन सेम आ जाएगा, है ना। ठीक है, यानी इफ एफ ऑफ जी इज़ वन वन देन जी इज़ वन वन। ठीक है, वाइस वर्सा है, अगर एफ ऑफ जी एन वन वन है तो जी एन को वन वन होना ही पड़ेगा, अगर जी एन वन वन है तो एफ ऑफ जी एन को वन वन हो जाएगा फिर। तो ये ट्रू है, इफ एफ ऑफ जी इज़ वन वन देन जी इज़ वन वन, ये ट्रू है। तो इसका मतलब जो ए है यही वाला गलत है। ठीक है, ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ये तो आसान था। एफ ऑफ जी एफ एन इज़ एफ वन इंटू जी एन, और अगर जी एन वन वन है तो एफ ऑफ जी एन फिर वन वन होगा। अब जो अगला डिसीजन लेना है वो ऑन टू का लेना है, ऑन टू का डिसीजन लेना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एन, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एन यानी जी एन इंटू एफ ऑफ वन, यही है। और इफ जी इज ऑन टू, ये जी क्या है, ऑन टू है, ये ऑन टू है, यानी इसका रेंज जो है पूरा का पूरा क्या आ रहा है, इसका रेंज क्या आ रहा है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। तो एफ ऑफ जी इज़ वन वन, तो ये पूछ रहा है एफ ऑफ जी वन वन होगा, ऑन टू नहीं पूछ रहा है, एफ ऑफ जी इज़ वन वन, ठीक है ना। तो क्या ये ट्रू है, जी एन के ऑन टू होने से एफ ऑफ जी वन वन हो जाएगा। तो जी एन अगर ऑन टू है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी एन वन वन भी है, जी एन वन वन होगा तभी एफ ऑफ जी एन वन वन होगा, है ना। हर एक एन पे एक वैल्यू दे तो ही एफ ऑफ जी एन क्या होगा, वन वन होगा, और अगर जी एन वन वन नहीं होगा तो एफ ऑफ जी एन भी वन वन नहीं होगा। यहाँ बस बोल रहा है जी एन ऑन टू है, ऑन टू होने का मतलब ये थोड़ी है कि जी एन वन वन भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी एन हम बना सकते हैं एक फंक्शन, जी एन क्या बना सकते हैं, एक हम बना देंगे जी एन इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, जी एन इज इक्वल्स टू वन इफ एन इज इक्वल्स टू वन। इसका रेंज इक्वल्स टू कोड नेचुरल नंबर करना है ना, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन करना है, क्योंकि ऑन टू दिया हुआ है और मेनी वन भी बनाना है। तो अब देखिए इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इफ एन ग्रेटर देन वन, ये एक फंक्शन हमने बना दिया जी। अब देखिए ये ऑन टू तो है क्योंकि जी वन वन दे रहा है, जी वन क्या है, वन है, जी टू क्या है, जी टू भी वन है, फिर जी थ्री टू है, जी फोर थ्री है, जी फाइव फोर है, जी सिक्स फाइव है, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके इन्फिनिटी तक देता रहेगा और वही उसका कोडोमेन भी है। तो ये ऑन टू है मगर मेनी वन है, इसका जी टू भी वन है और इसका जी वन भी वन है, ये एक मेनी वन फंक्शन है। और ये अगर मेनी वन है तो एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, मेनी वन होगा, वन वन नहीं होगा। यानी जी एन अगर ऑन टू है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी एन वन वन होगा, और अगर जी एन वन वन नहीं होगा तो एफ ऑफ जी एन भी वन वन नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पूछ रहा है कि देखिए नंबर ऑफ डोमेन्स में कितने नंबर ऑफ, कितना बड़ा डोमेन है, नेचुरल नंबर है, यानी जितने एलिमेंट डोमेन में है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन में है, और फंक्शन ऑन टू है। तो दो का सेम इमेज हो जाए तो कुछ तो खाली रह जाएगा ना कोडोमेन में, हाँ, ये तब होता है जब फाइनाइट होता डोमेन और रेंज। डोमेन और कोडोमेन अगर फाइनाइट सेट होता, दोनों फाइनाइट सेट होता, तब ऑन टू मीन्स वन वन, समझ रहे हो ना आप, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं अगले पेज में चला जाता हूँ। सपोज कीजिए कोई फंक्शन ए टू ए दिया हुआ है और ए आपका जो है वो फाइनाइट है, तब अगर फंक्शन ऑन टू है तो वन वन होना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट था और इसमें दो एलिमेंट था और फंक्शन ऑन टू है, यानी दोनों से कनेक्ट होना ही है, तो एक अगर वन से कनेक्ट हो गया तो जो दूसरा बच रहा है वो दूसरे से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, इससे कनेक्ट होगा तो एक से दो इमेज हो जाएगा।
तो जब फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट एलिमेंट्स है, तब ऑन टू मीन्स वन वन। लेकिन अगर जब इनफाइनाइट सेट हो, ए जब इनफाइनाइट सेट हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इनफाइनाइट, तब ऑन टू डज नॉट मीन वन वन, तब ऑन टू इम्प्लाइज वन वन। ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट कर लो ना आप, इसको ऐसा कर लो, इस केस में आप ये बनाए और ये बनाए और ये वन टू थ्री है और ये भी वन टू थ्री डॉट डॉट है, तो वन को वन से कनेक्ट किए और टू को भी वन से कनेक्ट किए, फिर थ्री को टू से कनेक्ट किए, फोर को थ्री से कनेक्ट किए, फाइव को फोर से कनेक्ट किए। अब इन्फिनाइट तक चल रहा है तो चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलाते रहिए इन्फिनाइट तक, कम नहीं पड़ेगा। अगर इसका एक है तो उसका एक अगला इमेजिन कर लीजिए, इट्स नेवर एंडिंग सेट, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसीलिए जब इन्फिनाइट सेट हो तब ये कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो रियल नंबर टू रियल नंबर वाले कोई भी फंक्शन मिनिमल होंगे ही नहीं फिर तो। हाँ, रियल नंबर टू रियल नंबर कोई भी फिर मिनिमल होगा ही नहीं उस हिसाब से तो। ठीक है, तो समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।